मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे राष्ट्रीय हमारे महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सभी उपस्थित मंत्रीगण, सुश्री उषा ठाकुर जी, तुलसीराम सिलावट जी, मुझे पता नहीं कि विश्वास सारंग जी ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया, क्योंकि उनका नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन संबंधित मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं। भारत सरकार में पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी श्री शंकर लालवानी जी, सभी उपस्थित विधायकगण, आकाश विजय वर्गीय जी, महेंद्र हार्डिया जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंडोला जी, जीतू पटवारी जी, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, भाजपा के वहाँ के ज़िले के संगठन से जुड़े राजेश जी, गौरव जी और सभी संबंधित अधिकारीगण, संजय शुक्ला जी, मोहम्मद सुलेमान जी, पवन शर्मा जी, निशांत वारबाडे जी और मनीष सिंह जी जो वहाँ के डीएम हैं, यहाँ मेरे साथ सुनील शर्मा जी हैं भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी, और बहुत सारे इंदौर के प्रमुख नागरिक हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आदरणीय बहन, बड़ी बहन सुमित्रा महाजन जी भी ज़रूर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी होंगी। और मैं आज शिवराज जी को और सारे उनकी टीम को और इंदौर के नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देते हुए सुमित्रा जी को विशेष रूप से इसलिए याद करना चाहता हूं कि 2014 में जब मुझे 6 महीने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था, तब इस अस्पताल को उनके साथ मैंने दौरा किया था, और उसी समय पर इस अस्पताल के लिए ये सुपर स्पेशलिटी विंग बनाने का निर्णय लिया गया था। तब से लगातार सुमित्रा महाजन जी ने इसको परस्यू किया, और मैं शंकर लालवानी जी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि पिछले 1.25 साल से मैं देखता हूं कि वो लगातार हर सेशन में पार्लियामेंट के इस विषय को मॉनिटर करने के लिए, इस विषय के संदर्भ में आज के जैसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बराबर आग्रह करते रहे। शिवराज सिंह चौहान जी ने अच्छा किया कि इसको देरी किए बगैर कार्यक्रम को भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का आज निर्णय लिया, और इंदौर की जनता को ये अस्पताल आज समर्पित हो रहा है। इस अस्पताल का, इस आज के कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो आपने NCDC के द्वारा जो की गई सीरो सर्वे रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के साथ किया है। इस अवसर पर मैं शिवराज जी आपको इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत समय से हमारा ये प्रयास था कि NCDC की पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी जो ब्रांच है वो हम मध्य प्रदेश में खोलें, और उसके लिए आपके शासन ने हमें 12,000 स्क्वायर फुट एक भोपाल के अंदर गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है उसकी 6ठी मंजिल के ऊपर आपने हमें 12,000 स्क्वायर फुट जो जगह दी है, वहाँ पर जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बायोसेफ्टी लेवल 3-4 इस तरह की लेबॉर्ट्री और NCDC का पूरे मध्य प्रदेश शासन के लिए एक ब्रांच हम लोग जो है प्रारंभ करने वाले हैं। मैंने इस कार्यक्रम से पहले जब इसके संदर्भ में मीटिंग लेकर NCDC के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह को ये कहा है कि प्रयास ये करना चाहिए कि 2020 के अंदर ही, कोरोना काल के अंदर ही हम भोपाल के अंदर NCDC की इस बड़ी विंग को, ब्रांच को स्थापित करें। और मुझे
पूरा विश्वास है कि इसके वहाँ पर स्थापित होने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वेलेंस से लेकर और साधारण वायरस से लेकर और कोरोना जैसे हाईफाई वायरस के संदर्भ में होने वाला जो अनुसंधान है और बाकी सारी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर बहुत लंबी लंबी बातें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अवसर सही मायने में सार्थक नहीं होगा अगर हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश की पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को हम याद नहीं करेंगे। 15 अगस्त 2003 को जब लाल किले की प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण दिया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। पहली बार लगभग 50 साल के बाद किसी एक प्रधानमंत्री ने दिल्ली नई दिल्ली के एम्स के बाद देश में और नए 6 एम्स बने इसके बारे में सोचा और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस जो कि अभी ये इंस्टीट्यूशन भी इंदौर का एक प्रकार से बन गया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और विंग के ऐड होने के बाद इसके लिए योजना बनाकर उसको देश को समर्पित किया था और उसी योजना के तहत लगातार तब से बराबर इस काम को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 से 6 एम्स करने की बात की थी। हमारे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको 22 एम्स के अंदर नए एम्स के अंदर परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से देश भर में इस तरह के 75 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और उनके विंग्स बनाने का योजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसका एक अंग आज ये इंदौर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2014 और 2020 के बीच में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस भारत के अंदर डेवलपमेंट के वेरियस फेजेस के अंदर हैं और उसमें से पिछले केवल एक साल के अंदर ही दूसरी बार शासन में आने के बाद जो पहले कुछ निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए कैबिनेट में, उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि देश के जो सबसे गरीब ज़िले हैं, जो कि सबसे पिछड़े हैं, जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हमें मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करना है। और जबकि पहले ही हमारे मध्य प्रदेश में 7 और 1 8, पहले फेज में 7, दूसरे फेज में 1 8 और उसके बाद पिछले तीसरे फेज में पिछले एक साल में मध्य प्रदेश के लिए 6 नए मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में, मांडला में, नीमच में, मंदसौर में, श्योपुर में और सिंगरौली में ये पास करके जो है मध्य प्रदेश सरकार को जो है सूचित किया गया। और अभी सिर्फ पिछले 5-6 सालों के अंदर ही करीब 14 मेडिकल कॉलेजेस जो है मध्य प्रदेश के अंदर नए जो है उनको विकसित करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सहयोग से चल रहा है। सारे देश भर में मेडिकल एजुकेशन को बड़े पैमाने पर विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, वो MBBS की सीट्स हों, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स हों, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रयास हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान केवल इस कोरोना की दृष्टि से, यद्यपि भारत सरकार ने सब प्रकार का सहयोग मध्य प्रदेश सरकार को किया है, 241 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को अब तक 7.97 लाख PPEs, 13.99 लाख N95 मास्क, 679 वेंटिलेटर और 76 गवर्नमेंट की नई टेस्टिंग लैब्स में फैसिलिटीज़,
ये सारी की सारी उपलब्ध कराई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जिस भी प्रकार की कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जितनी भी जिस प्रकार की सहायता चाहिए वो सारी की सारी देने के लिए हमारी सरकार हर तरीके से तैयार है। और मैं चाहता हूँ कि जो अभी भी कुछ 4-5 स्थानों पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ अभी भी केसेस हमारे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, उन स्थानों पर विशेष ध्यान देकर और हम मध्य प्रदेश के अंदर भी कोरोना के खिलाफ युद्ध जो है इसमें और ज़्यादा व्यापक सफलता प्राप्त करें। अभी आप सब जानते हैं कि देश में हम लोगों का जो रिकवरी रेट है वो 76.28% तक पहुंच गया है। फर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.82% रह गया है। और जहां 3.3 मिलियन केसेस हुए हैं उसमें से 2.5 मिलियन केसेस जो है वो ठीक होकर घर लौट गए हैं। करीब 4 करोड़ के नज़दीक देश भर में टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। कल भी 9 लाख देश ने पूरे रोज़ टेस्ट किए हैं। 1564 नई लेबॉर्टरीज हमने विकसित कर दी हैं। सब कुछ सारे दुनिया के मुकाबले बेहतर होने के बावजूद कोरोना के खिलाफ जो जंग है इसको हमें अभी भी लाइटली नहीं लेना है। और इसलिए मेरा सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित नेता बैठे हैं सबसे आग्रह है, निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में जनता को, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, साधारण छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब अभी तक जान गए हैं, लेकिन उनको पालन करना और उनको लोगों को पालन करवाना ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कोरोना के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसमें हमें आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पिछले दिनों आपने आत्मनिर्भर भारत से नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करने को, आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वप्न को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या अगले कुछ वर्षों में होना चाहिए इसके बारे में बहुत गहराई से विवेचन किया था और अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं की चर्चा की थी। मेरा इस अवसर पर आपसे 4-5 चीज़ों के बारे में विशेष मैं चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, मजदूरों के लिए, गांवों के लिए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चीज़ें होती हैं उसको व्यक्तिगत तौर पर आपके मार्गदर्शन में उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो इसका मैं आपसे विशेष रूप से आज निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से देश भर में 1.5 लाख जिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाने के लिए संकल्प लिया है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे लिए देश में हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करने के लिए स्वास्थ्य की ऐसे बड़े ऊर्जा के केंद्र बनने वाले हैं जहाँ हर प्रकार का प्रिवेंशन, पॉजिटिव हेल्थ और प्रोमोटिव हेल्थ ये बड़े पैमाने पर डेवलप हो सकता है। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ साथ आपके जैसे दूरदर्शी और ज़मीन पर काम करने वाले नेता के लगातार मार्गदर्शन और सुपरविजन की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री जी ने टीबी को भारत से 2025 तक जड़ से समाप्त करने के लिए निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, स्वप्न देखा है। सारी दुनिया 2030 तक कोशिश कर रही है, हम 2025 तक कोशिश कर रहे हैं। और इस स्वप्न को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों की सरकारों के और अधिकारियों के बहुत बड़े सहयोग की हम सब लोगों को आवश्यकता है। इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि देश में जब पोलियो का उन्मूलन हो सकता है जिसमें 100% बच्चों को हम वैक्सीन दे पाए, तो फिर 1 दर्जन से ज़्यादा जो वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मिलती हैं वो देश के एक एक बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए। देश के अंदर किसी भी गर्भवती महिला के लिए गर्भवती होना अभिशाप नहीं बनना चाहिए। हर कीमत पर हमें
मैटरनल मोर्टैलिटी, इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टैलिटी, इन सब चीज़ों से देश के बच्चों को और देश की माताओं को हर कीमत पर हम लोगों को बचाना है। और भी जो बीमारियां मीजल्स, रुबेला जैसी, जिनको की जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, और विशेषकर अभी पिछले दिनों के अंदर आपने स्वयं प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुना, 15 तारीख को लाल किले की प्राचीर से हम लोग आने वाले समय में दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश से भी ज़्यादा हर तरीके से संपन्न और समृद्ध नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, उस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी देश के 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। उसके ऊपर बड़े संख्या के अंदर उस पर रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हो गया है, और अगले 3 से 6 महीने के बीच में ये सारे देश में रोल आउट होगा। लेकिन उसके लिए बड़े प्रदेशों को अभी से मन बनाकर तैयारियां करनी शुरू करनी पड़ेंगी। और जिस तरह से टेलीमेडिसिन के माध्यम से देश के बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े प्रोफेसर की एडवाइस देश के दूर दराज के गरीब और आदिवासी क्षेत्र में किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आने वाले गरीब से गरीब मजदूर के लिए भी उसकी जो सेन एडवाइस है, उसकी टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से जो एडवाइस देने का बहुत बड़ा एक प्रकल्प प्रारंभ हुआ है। इसके अंदर भी हम चाहते हैं कि आपका विशेष रूप से ध्यान, विशेष रूप से मार्गदर्शन हो। जो मेडिकल कॉलेजेस को प्रारंभ करने की योजना है और भी जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, उन सब में अगर आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप रहेगा, आपका व्यक्तिगत सुपरविजन रहेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हम लोग स्थापित कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी विकास यात्रा में और विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ी हुई विकास यात्रा के अंदर भारत सरकार हर तरीके से आपके साथ है, और हम ये सुनिश्चित करने का गंभीर प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लोगों को किसी भी सुख सुविधा से, किसी भी तरीके से कभी भी वंचित ना रहना पड़े। मैं आज के इस अवसर पर इंदौर के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंदौर ने हमेशा प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर जिस प्रकार का कीर्तिमान पिछले 4 वर्षों में लगातार स्थापित किया है, वो हर एक देशवासी के लिए, हर एक दूसरे शहर के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा लेने लायक है। और एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ सफाई का कार्यक्रम अच्छी तरह होता जाएगा, वहाँ वहाँ से बहुत तेज़ी से बीमारियों के जड़ से समाप्त होने का जो प्रकल्प है, वो भी बहुत ही तेज़ी से मजबूत होता जाएगा। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो स्वच्छता से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए और बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं जिनको वो लॉजिकल सफलता तक ले जाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, उनकी मदद से देश में बहुत सारे हेल्थ के पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस काम को आपके नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी माननीय नेताओं को, इंदौर निवासियों को, और हमारी सुमित्रा महाजन जी अगर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं किसी भी तरीके से, उनको सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।